इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टोनल फंगस के बारे में। पैरों में या नाखूनों में जो फंगस हो जाता है वो बहुत तकलीफ देह होता है। ये ज़्यादातर बारिश के सीजन में हो जाता है और उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको पसीना ज़्यादा आता है या बंद जूते ज़्यादा पहनते हैं। और बारिश के मौसम में फंगस को फैलने के लिए अनुकूल मौसम मिल जाता है। बारिश के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत नुकसान दे सकती है। हमारे पैरों में फंगस इन्फेक्शन दे सकती है, साथ में नाखूनों में इन्फेक्शन दे सकती है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको यदि टोनल फंगस हो गया है तो आप उसको होम रेमेडी से कैसे क्योर कर सकते हैं, या कौन सी होम रेमेडी है जो आपको टोनल फंगस को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोनल फंगस एक आम समस्या है जो बहुत सारे लोगों को हो जाती है। जो लोग पैरों पर नमी पर ध्यान नहीं देते हैं ऐसे लोगों को ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में नमी से फंगस आसानी से फैल जाता है, और फंगस की विशेषता होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी फैलता है। तो यदि आप बारिश के मौसम में अपने पैरों को सूखा रखेंगे और उनमें नमी नहीं रहेगी, अपने जूतों में एंटी फंगल पाउडर डाल के रखेंगे, जिससे कि आपके जो फफूंद का इन्फेक्शन बढ़ने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। और यदि आप इसको सही टाइम पे इलाज नहीं करते हैं तो आपके नाखूनों में दर्द सूजन भी आ सकती है। तो इनका ज़रूरी है कि हम इनका समय पर ख्याल रखें और इनका इलाज ज़रूर से करें। पुरुषों में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके जो जूते होते हैं पूरी तरीके से ज़्यादातर बंद रहते हैं, उनमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप जूते निकालते हैं तो उनको ड्राई करके रखें, या ऐसी जगह रखें जहाँ पर हवा का आना जाना हो। और जूते पहनने के पहले अपने जूतों में आप पाउडर डाल सकते हैं, ताकि जो पाउडर है वो आपकी नमी को सोख लेगा। साथ ही अच्छे से ड्राई किए हुए सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सिरका सबसे अच्छा होता है। पैरों को फंगस से बचाने के लिए सिरका अच्छा और सबसे सस्ता उपाय है। ये पैरों में जमी हुई गंदगी को अच्छे से साफ करता है, और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आपके जो रक्षा करता है। आपको इसके लिए चाहिए 50% सिरका और 50% आपको पानी और सिरका मिला लेना है, और इसको 30 मिनट के लिए रख लेना है उसमें अपने पैरों को डिप करके, और बाद में अपने पैरों को अच्छे से साफ करके एंटी फंगल क्रीम आप लगा सकते हैं। तो ये सिरका है जो आपको घर पर ही मिल जाएगा और आपके जो फंगल इन्फेक्शन है उसको फैलने से बचाएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पैरों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है तो आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने पैरों को उसमें 30 मिनट के लिए डाल के रखें और साफ टॉवल से पोंछ कर क्रीम लगाएं। दूसरा है विक्स वेपर। विक्स वेपर में भी जो इन्फेक्शन ख़त्म करने का ताकत होती है, तो यदि आपके पैर के नाखूनों में इन्फेक्शन हो गया है तो आप इसके लिए विक्स वेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलता है और बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो आप इसका इस्तेमाल एक दिन में 2 बार कर सकते हैं। विक्स वेपर आसानी से सभी के घर में रहती है, तो ये हमारी दूसरी होम रेमेडी है जो आपको इन्फेक्शन से बचा सकती है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी रेमेडी, तो वो है नमक। नमक सभी तरह के इन्फेक्शन से बचाने में बहुत कारगर होता है, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नमक को पानी में घोल लें, और ये अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, तो इसका इस्तेमाल आप करें। और तब तक पानी में 2 बड़े चम्मच नमक डाल दें, और फिर उसमें 4 से 5 मिनट के लिए आप अपने पैरों को डाल के रखें, और इसको आपको डेली करना है जब तक कि आपका इन्फेक्शन है जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है। तो ये कुछ होम रेमेडी हैं जिनसे आप अपने टोनल फंगस से निजात पा सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।